मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखने वाले हैं। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस टाइप के ट्रांसलेशन के अंदर जनरली आ होगा, ई होगी, ए होके रहता है। वैसे तो चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, दिया होगा, होगा, ई होगी, ए होके रहता है। हम यानी कि आ होगा, ई होगी, ए होगी, इसका मतलब चुका होगा हम बोलते हैं, तो चुका में लास्ट में तो आ ही रहा है, इसीलिए इसको लिख दिया। और इसको बनाने के लिए वी है प्लस भाव का तीसरा रूप यूज किया जाता है। सारे सब्जेक्ट का वी लगा लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, वो पढ़ लिया होगा, तो यहाँ पे वह का ही लिखेंगे, ही के साथ भी लगा लेंगे क्योंकि सब का भी लगाना है, और यहाँ पे हैव सबके साथ लगेगा। वैसे तो ही के साथ हैव लगता है, लेकिन यहाँ पे वी के बाद हैव लगाएंगे सारे सब्जेक्ट के साथ। और पढ़ना का रीड का फॉर्म क्या है, रीड रेड 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 होता है। और यहाँ पे आ हो गया आगे जनरली। एक बार ट्रांसलेशन लेते हैं निगेटिव से, राम नहीं पहुंचा होगा, राम नहीं पहुंचा होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम, और यहाँ पे वी लगा दिए, नहीं है तो नॉट पढ़ेंगे, फिर हैव पढ़ेंगे, और पहुंचना का रीच या आई होता है, तो रीच का कंफर्म लगाना है रीच। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।